कहानी शुरू होती है इस शख्स से जिसे अपनी माँ के फ्यूनरल में जाना है। वह फोन पर बात करते हुए कार काफी तेज चला रहा है क्योंकि उसे बहुत देर हो रही है। इसका नाम गुनसू है। गुनसू एक पुलिस डिटेक्टिव है। रास्ते में उसकी कार से एक शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है। गुनसू उस शख्स को देखता है जो अब मर चुका है। गुनसू को लगता था अब उसकी नौकरी तो जाएगी ही और बची जिंदगी वह जेल की चक्की पीसेगा। उस शख्स का कुत्ता वहीं पर होता है जो गुनसू को बड़े ध्यान से देखता है और यहीं से गुनसू का बुरा समय शुरू हो जाता है। वो डेड बॉडी अपनी कार की डिग्गी में रखकर वहां से चला जाता है यह सोचकर कि कहीं दूर जाकर इसे दफना देगा। वो कुत्ता उसे जाते हुए देखता रहता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। अब गुनसू बहुत घबराया हुआ था। वो पुलिसकर्मी को बताता है कि वो खुद एक पुलिस वाला है तो इस लिहाज से वो लोग उसकी और कार की चेकिंग ना करें। वो पुलिसकर्मी उसे आईडी दिखाने को कहते हैं लेकिन वो आईडी अपने घर पर ही भूल आया था। खैर थोड़ी देर चली बहस के बाद वो पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। यहां आकर गुनसू देखता है उसकी को कैफीन बॉक्स में रखने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान उसके फोन पर एक मैसेज आता है। कुछ पुलिस वाले उसके कार की तलाशी लेना चाहते थे। मैसेज देखकर उसे घबराहट होने लगती है क्योंकि कार की डिग्गी में ही लाश पड़ी हुई थी। खैर जैसे तैसे करके वह उस डेड बॉडी को दीवार में बने एयर वेंटिलेशन होल में छिपा देता है। दरअसल वो मौका पाकर उस लाश को अपनी माँ के कैफीन बॉक्स में रखने का प्लान बना रहा था जिससे कि किसी को पता नहीं चल पाता और उस लाश से उसका पीछा भी छूट जाता। इसके बाद उसी रूम में एक ऑफिसर आता है जो उसे वहां से जाने को कहता है लेकिन गुनसू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी माँ के साथ आखिरी के कुछ पल बिताने हैं। ऑफिसर उसे 15 मिनट का समय देता है। अब गुनसू के पास 15 मिनट का समय था उस लाश को अपनी माँ के कैफीन बॉक्स में रखने का। वह सिक्योरिटी कैमरा को बैलून से कवर कर देता है फिर जल्दी जल्दी उस लाश को दीवार के होल से निकाल कर कैफीन बॉक्स में रखता है फिर इसे बंद कर देता है। हालांकि 15 मिनट का समय बीत चुका था। वह ऑफिसर फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसके आने से पहले ही गुनसू का काम बन चुका था। वह ऑफिसर उसे बाहर जाने को कहता है। इसके बाद सभी कैफीन को कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर देते हैं। उसकी माँ के साथ वो लाश भी दफन हो चुकी थी। हालांकि ये बात सिर्फ गुनसू को ही पता थी। गुनसू को लगता था अब सारी मुसीबत टल चुकी है। वह अपने कार के उन सभी पार्ट्स को चेंज करवाता है जो एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गए थे। खैर गुनसू एक दिन जब अपने ऑफिस में था तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें कोई उससे पूछ रहा था कि उसने ली होम को कहां छिपाया है। दरअसल वो लाश वाले शख्स का नाम ली होम था। फोन करने वाला शख्स ये भी बताता है कि उसने वो हादसा और लाश गायब करने के लिए कार में ले जाते हुए उसे देखा था और वो चाहे तो इसकी रिपोर्ट करके उसे जेल में डलवा सकता है। वह फिर से गुनसू के मोबाइल पर कॉल करता है। वह गुनसू को मर्डर के केस में जेल भेजने की धमकी देता है। मतलब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। गुनसू बात करते करते ऑफिस के बाहर आ जाता है। वह शख्स को बता रहा था वह उसे इस समय देख रहा है। वह हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। अब गुनसू देखता है सामने फोन बूथ पर एक शख्स बात कर रहा था और जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है वह शख्स वहां से भाग जाता है। गुनसू अपनी कार लेकर उसका पीछा करता है लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता। इसके कुछ देर बाद जब गुनसू ऑफिस में होता है वह शख्स फिर से फोन करता है लेकिन अब वह उसका फोन नहीं उठा रहा था। खैर उसके ऑफिस में एक शख्स आता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट पार्क होता है और वह आते ही गुनसू को पीटने लगता है। वह शख्स कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहे। इसके बाद वह कहता है अरे मुझसे गलती हो गई मैंने गलत आदमी को पीट दिया। दरअसल वो तुम नहीं हो यह आदमी एक सीनियर पुलिस वाला होता है लेकिन उसके द्वारा कही गई बातों से गुनसू को शक हो जाता है कि वह फोन करने वाला शायद यही आदमी है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। गुनसू देखता है वह लेफ्टिनेंट टॉयलेट की तरफ जा रहा था। वह सोचता है क्यों ना अंदर जाकर हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। यहां गुनसू का दांव उल्टा पड़ जाता है और वह लेफ्टिनेंट गुनसू को बहुत पीटता है। वह उसे कहता है रात तक ली की लाश उसे दे दे नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। काफी ज्यादा मार खाने के बाद गुनसू उसकी बात मान जाता है। अब गुनसू कार में बैठकर लाश लाने के लिए जा रहा था। वह मन ही मन सोचता है आखिर उस लाश में ऐसा क्या है जिसके लिए लेफ्टिनेंट उसके पीछे पड़ा है। खैर वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने अपनी माँ के साथ उस लाश को भी दफनाया था। वह ली की डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालता है। इससे पहले वह चेक करना चाहता था इस लाश के पास ऐसा क्या है कि जो लेफ्टिनेंट को चाहिए। तलाशी के दौरान उसे ली का मोबाइल हाथ लगता है जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। साथ ही उस डेड बॉडी पर गोलियों के दो निशान भी देखता है। वह समझ जाता है ली को उसकी कार ने नहीं बल्कि किसी ने उसे गोली मारी थी। गुनसू लाश लेकर जा रहा था। उसे पहले वह ली के घर जाता है शायद उसे कुछ सबूत मिल जाए। यहाँ सबसे पहले उस फोन को चार्जिंग पर लगाता है। इसके बाद उस फोन से गुनसू को एक शख्स की डिटेल मिल जाती है जिसने उसे लास्ट बार फोन किया था। गुनसू से पकड़कर सारी कहानी पूछ लेता है कि लेफ्टिनेंट पार्क ने उसे क्यों मारा और अब उसे ली की लाश क्यों चाहिए। दरअसल ली बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। उसके
उसके पास एक सीक्रेट लॉकर था जिसमें बहुत पैसा रखा हुआ था। उस लॉकर की चाबी हमेशा ली के पास रहती थी। उस चाबी को पाने के लिए लेफ्टिनेंट ने ली को मार दिया था, लेकिन वो चाबी ली के साथ ही रहती थी, मतलब अब उसकी डेड बॉडी के साथ, इसलिए वो ली की डेड बॉडी के पीछे पड़ा हुआ था। अब गुनसु सच जानने के बाद ली की डेड बॉडी स्कैन करता है जहाँ उसे चाबी मिल जाती है। इस बीच उसका साथी सांगहू उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। वैसे सांगहू उसका अच्छा दोस्त था। वह पूरी बात सुनता है और उसे मुसीबत से निकालने का वादा भी करता है। इस बीच गुनसु को लेफ्टिनेंट का फोन आता है और उसे कार से निकलने के लिए बोला जाता है। गुनसु जैसे ही कार से बाहर आता है, कार में बैठे उसके दोस्त को भारी कंटेनर गिराकर मार दिया जाता है। अब गुनसु किसी भी हालत में लेफ्टिनेंट को मार देना चाहता था। वह उसके द्वारा बताई गई लोकेशन पर डेड बॉडी डिलीवर करने जाता है, लेकिन उससे पहले उसने डेड बॉडी में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था। वह डेड बॉडी को उसकी कार में रख देता है और थोड़ी देर उन दोनों के बीच बहस होती है। फिर लेफ्टिनेंट गाड़ी लेकर चल देता है। इस बीच एक धमाका होता है, कार पानी में गिरती है। गुनसु को लगता था उसने सारी मुसीबत खत्म कर दी। वह अपने घर लौट जाता है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट उसके घर आ जाता है। शायद वो बम ब्लास्ट से किसी तरह बच गया था। यहाँ वो एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। गुनसु की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह देखता है उसका पिस्तौल नीचे पड़ा हुआ था। उसे लगा पिस्तौल उठाकर लेफ्टिनेंट का गेम ओवर कर दिया जाए। अब दोनों के बीच पिस्तौल की छीना छपटी के दौरान बुलेट फायर हो जाती है, जो लेफ्टिनेंट के सिर को पार करते हुए वहां रखे एक्वेरियम में जाकर लगती है। यहां लेफ्टिनेंट पार की मौत हो जाती है। हालांकि गुनसु की वजह से जो रायता फैला था, इसके लिए उसे निर्दोष मानकर बरी कर दिया जाता है। फिलहाल अब गुनसु पुलिस डिटेक्टिव की नौकरी भी छोड़ देता है। अब गुनसु की बीवी पूछती है नौकरी छोड़ने के बाद उनका खर्चा कैसे चल पाएगा। गुनसु सोचता है ली के पास से मिली हुई चाबी से वो सीक्रेट लॉकर खोला जाए। वह देखना चाहता था आखिर उस लॉकर में ऐसा क्या है जिसके लिए लेफ्टिनेंट अपनी जान पर खेल गया। गुनसु चाबी लगाकर उस सीक्रेट लॉकर का दरवाजा खोल देता है। इसके अंदर भी एक सील्ड होती है जिसे कोड द्वारा खोला जा सकता था, और यह कोड उस चाबी पर लिखा होता है। अब कोड डालते ही वह सीट अनलॉक हो जाती है। यहाँ देखकर गुनसु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल यहाँ अरबों रुपया रखा हुआ था जो गुनसु को अमीर, बहुत अमीर बना सकता था। फिलहाल गुनसु इन रुपयों का क्या करेगा? क्या वह पुलिस को सौंपेगा या फिर अपने ऐशो आराम की जिंदगी की शुरुआत करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं किसी और स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।